ये वाली शॉर्ट्स देख लो, 46,000 व्यूज यहाँ पे इनके आए हुए। ये वाला देख लो 73,000 व्यूज, और ये भी देखो 85,000 व्यूज, 70,000 व्यूज, 29,000 व्यूज, 39,000 व्यूज। और सिर्फ यही चैनल नहीं है, और भी बहुत सारे चैनल है, इनको आप सभी जानते होंगे। ये काफी सारे मतलब बहुत सारे क्रिकेट के चैनल चलाते हैं, ये बंदा चलाता है, ये लाखों रुपए कमाता है महीने क्रिकेट की वीडियोस बनाकर, और वो इमेजेस यूज करता है, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस यूज करता है मेरे भाई। ये एक और चैनल आप देख लो, ये सारे वीडियोस ऐसे ये लोग बनाते हैं, अच्छे खासे व्यूज आते हैं। और यहाँ पे यूट्यूब पे आप सर्च करके भी देख सकते हो, बहुत सारे आपको क्रिकेट के शॉर्ट्स मिल जाएंगे जो अनऑफिशियल चैनल्स ये बनाते हैं। ये देखो 2.2 मिलियन व्यूज, ये देख लो 5,91,000 व्यूज, 6 महीने पहले इन्होंने ये शॉर्ट्स बनाया। तो आप बताओ यहाँ से पैसे नहीं कमाते तो क्या कमाते हैं? अगर आपको कॉपीराइट लगा भी तो भी आज ऐसा तरीका बताने वाला हूं, कॉपीराइट के साथ भी कमाओगे, कॉपीराइट के बिना भी कमाओगे। इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक किया है, इसका मतलब आप क्रिकेट के दीवाने हो। आप हिंदुस्तान से हो सकते हो, पाकिस्तान से हो सकते हो, बांग्लादेश या नेपाल या किसी भी एशियन कंट्री से हो सकते हो, और आपका भी मन है यूट्यूब पे क्रिकेट वाला कॉन्टेंट डाले कुछ इस टाइप का। अब या तो आपकी हिम्मत नहीं हो रही कॉन्टेंट डालने का क्रिकेट वाला यूट्यूब पे, क्योंकि आपको कॉपीराइट से डर लग रहा है, या फिर आपको आता ही नहीं कि कैसा कंटेंट यूट्यूब पे क्रिकेट से रिलेटेड हम लोग डालते हैं, या फिर आप उस कैटेगरी में आते होगे जो कि कंटेंट तो डाल रहे हैं लेकिन यूट्यूब चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा। आप कमेंट में बताओ आप कौन से कैटेगरी में आते हो, आप क्या करते हो, या तो आपने कंटेंट डाला है या नहीं डाला, या आपको पता ही नहीं है कि क्या डालना है। नहीं क्या मतलब, मेरे चैनल पे और भी क्रिकेट वाले ट्यूटोरियल्स है लेकिन इन्होंने नहीं देखा। देखो YouTube पे जल्दी वायरल होने वाले कुछ ही गिने चुने कंटेंट होते हैं। पहला होता है कि कॉमेडी या फनी वीडियोस, दूसरा होता है क्रिकेट फुटबॉल या दूसरे स्पोर्ट्स वाले वीडियोस, तीसरा होता है कार्टून कंटेंट, और चौथा होता है म्यूजिक सॉन्ग या मूवी रिलेटेड कंटेंट। और आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिकेट वाला कंटेंट डालना सीखेंगे बिल्कुल नए तरीके से यूट्यूब पर। अभी मजा आएगा ना। और जब बात स्पोर्ट्स की हो रही है तो मैं कैसे भूल सकता हूँ अपने फेवरेट पैसा छापने की मशीन को, क्योंकि इसी वेबसाइट से मुझे याद है पिछली बार जब मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, मेरे बहुत सारे और सब्सक्राइबर्स ने NFT खरीद कर काफी ज्यादा पैसा कमाया था। स्क्रीनशॉट मुझे उन्होंने भेजा था मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ jump.trade, मेरे फेवरेट NFT अर्निंग वेबसाइट की, जो आप सबके लिए कुछ नया लेकर आया है, प्ले टू अर्न कार रेसिंग NFT गेम, जिसका नाम है RADDX रेडेक्स। देखो भाई, दुनिया के सबसे बड़े NFT मार्केटप्लेसेस में से एक है jump.trade, ये सबको पता है, और इनका क्रिकेट NFT कितना सक्सेसफुल हुआ और आप सबने इससे कितना पैसा कमाया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पिछले साल सबने इससे कमाया, मैंने भी कमाया, और अब ये लोग कार रेसिंग गेम लेकर आए हैं। 10 मार्च लास्ट डेट है, याद रखना 10 मार्च लास्ट डेट है प्री बुकिंग की, और प्री बुकिंग करके आपको मिल सकता है रॉयल एनफील्ड हंटर 350, महिंद्रा थार, मैकबुक एयर, एप्पल डिवाइसेस, गेमिंग कंसोल, वन प्लस 138 cm 55 inches वाला वाई सीरीज टीवी, बिटकॉइन और बहुत कुछ, अगर आप 5 लूट बॉक्सेस परचेस करते हो यहाँ से, और सिर्फ एक लूट बॉक्स अगर परचेस करते हो, प्री बुकिंग करते हो, तो भी आपको 2 NFTs मिलेंगे जिसको गेम खेलकर पैसा कमाने के लिए आप यूज कर सकते हो, या फिर बाद में 2-3 महीने बाद इसको $100, $150 या $300 की आप बेच सकते हो, आपकी मर्जी। तो NFT की प्री बुकिंग करो, गाड़ी चलाओ, गेमिंग करो, रियल कैश अवार्ड जीतो, इतना सारा कैश अवार्ड आप यहाँ पे जीत सकते हो, पहले से बहुत ज्यादा अमाउंट है, आज ही साइन अप करो। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको साइन अप का लिंक मिल जाएगा, और पैसा कमाने के बाद भाई को भूल मत जाना, थोड़ा सा मुझे भी दे देना, मजा कर रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो मुझे कि आपने कितना कमाया, ताकि मैं और लोगों को भी मोटिवेट कर सकूं, उनको भी बता सकूं कि ऐसी चीजें भी होती है, सिर्फ पैसा जोड़ जोड़ के रखने या बैंक में रखने से पैसा नहीं बढ़ता मेरे भाई। NFTs, बिटकॉइंस, ये सब फ्यूचरिस्टिक नहीं, प्रेजेंट है, आज ही ज्वाइन करो, साइन अप करो jump.trade, लिंक पे क्लिक करो। तो चलो इस ट्यूटोरियल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये वाला चैनल दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन पे आप यहां पे साइड में देख सकते हो, इस चैनल का नाम है राजपूत क्रिकेट शॉर्ट्स, ये सिर्फ क्रिकेट वाले शॉर्ट्स ही देते हैं। ये देखो, आप यहां पे इनके शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओ, अच्छे खासे व्यूज आते हैं। अभी इन्होंने डाला है 8.6K व्यूज, 12,000 व्यू, 18,000 व्यू, 34,000, 48,000, 75,000, 86,000, 72,000, आप देख सकते हो कैसे वीडियोस ये लोग डालते हैं। एक मैं वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ, और पैसा कैसे ये लोग कमाते हैं ये ट्रिक भी यहीं पे छुपी हुई है, ध्यान से देखना, बिल्कुल जूम करके इस वीडियो को देखना। ये देखो, मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ।
ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो एक एनिमेशन यहाँ पे चल रहा है। ये एक्चुअल स्पॉन्सरशिप वाला लिंक है। ये वीडियो क्या कर रहे हैं, ये इमेजेस सिर्फ डाल रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स या म्यूजिक लगा रहे हैं, सब कुछ कैसे बनाना है 5 मिनट के अंदर मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। इसके बाद आप भी बना सकते हो, आज ही अपने दोस्तों को भी बनवा सकते हो सेम इस टाइप की वीडियो, क्योंकि क्रिकेट कितना वायरल होता है आप सबको पता है। यहाँ पे देख लो इनके कमेंट्स में अगर आप जाते हो, ये देखो कमेंट पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। अब कमेंट पे अगर क्लिक करते, ये देखो पहला लिंक जो इन्होंने पिन किया हुआ है, इसमें लिखा है डोंट मिस योर चांस, टेक योर बोनस एंड वर्किंग स्ट्रेटजी। 12 लाइक्स यहाँ पे आ चुके हैं और कितने न जाने क्लिक्स आए होंगे, मैं एक बार कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। ये देख लो इनके चैनल पे अभी इस वाले शॉर्ट पे पर्टिकुलरली मैं अगर व्यूज की बात करूँ, 75,000 व्यूज आए, ठीक है। 75,000 में से अगर यहाँ पे मान लो कि 200, 250 या 300 लोग भी साइन अप करते हैं, तो आपको आइडिया भी नहीं कि ये वाली जो वन विन वेबसाइट है कितना पैसा देती है, इसका स्पॉन्सरशिप कैसे लेना है, वीडियो कैसे बनाना है, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं सब एक्सप्लेन करूंगा अगले कुछ मिनटों में। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल बनाना मुश्किल है, फिर तो यूट्यूब पे आने का कोई फायदा नहीं। इतना आसान चैनल भी अगर आप नहीं बना सकते हो, चुपके चुपके लोग बना रहे, भाई आप पीछे रह जा रहे हो, गरीब रहने का कोई फायदा नहीं है, अमीर बन सकते हो, सिर्फ एक कदम आपको आगे बढ़ाना है, टिप्स वाला की वीडियोस देखनी है और उसको इंप्लीमेंट करना है। वीडियो देख के चले जाओगे कोई फायदा नहीं होगा, वीडियो देखने के बाद उसको एग्जीक्यूशन कैसे करते मैं तो वो भी आपको सिखाता हूं, वो देखते हैं कि ये वीडियोस बनाते कैसे, पोस्ट करते टाइम लिंक कैसे डालते, सब कुछ आपको दिखाता हूं। चलो सीधे ट्यूटोरियल की तरफ। अब देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और ऐसे आपको लिख देना है Top 5, Top 10 क्रिकेट, ऐसे कुछ लिख देना है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है क्रिकेट Top 5, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे वेबसाइट मिल गए जहाँ पे कंपैरिजन दिखाते हैं, जैसे कि Top 5 प्लेयर्स ऑफ इंडिया राइट नाउ, Top 5 पाकिस्तानी प्लेयर्स, Top 5 बॉलर्स इन द वर्ल्ड, तो ऐसे देखो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। मैं कोई भी एक यहाँ पे वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा Top 5 इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स लव्ड बाय ऑल, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सारे क्रिकेटर्स के नाम आ गए। पहला आ गया सचिन तेंदुलकर, उसके बाद आ गया MS धोनी, उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद कपिल देव, उसके बाद सुनील गावस्कर, ठीक है 5 ही डालो, इससे ज़्यादा मत डालो। टॉप 5 करके ही आप दिन में 10-12-15-20 वीडियोज बना सकते हो, शॉर्ट बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। अभी हम क्या करेंगे, इनके जो नाम है इनके इमेजेस हम लोग निकालेंगे कॉपीराइट फ्री वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सचिन तेंदुलकर का इमेज निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज सर्च मैन, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे हम सचिन तेंदुलकर लिख रहे हैं, ठीक है, तो कॉपीराइट का कोई डर नहीं क्योंकि वी विल एडिट दिस वीडियो इन अ वीडियो एडिटर। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर मैंने लिखा हुआ है और इसको हम एक बार इमेज सर्च करते हैं इसका। ये देखिए आपके सामने बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे, तो आपको कुछ ऐसे इमेजेस चूज करने हैं जैसे बैट लेके वो जो जीत जाते हैं ना ऐसे दिखाते हैं, ये जो ये वाले इमेजेस हो गए, ये देखो ये वाले इमेजेस हो गए, मतलब जहाँ पे सक्सेस विक्ट्री या फिर खेल रहे हैं चुपचाप खड़े हैं वैसे इमेजेस मत लो, जहाँ पे एक्शन हो रहा है, पब्लिक को एक्शन पसंद है वो इमेजेस लो। तो जैसे मैं ये वाला इमेज लेना पसंद करूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉपीराइट दिख रहा है, ये देखो आपको यहाँ पे वाटरमार्क दिख रहा होगा, ऐसे इमेजेस को अवॉइड करने की कोशिश करो। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दूसरा इमेज ट्राई करता हूँ, ये वाला इमेज देख लेता हूँ, यहाँ पे कोई वाटरमार्क नहीं है तो वी कैन यूज दिस इजिली। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, ये डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड हो चुका है ये इमेज। इसके बाद मुझे MS धोनी का इमेज यहाँ पे सर्च करना है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे MS धोनी भी लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ MS धोनी और मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ और ये देखो MS धोनी की काफ़ी सारी इमेजेस आ गई। अगेन एक्शन वाली इमेजेस हमें चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे ये वाला इमेज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये इमेज भी डाउनलोड हो गई। मान लो इसके बाद विराट कोहली अगर यहाँ पे उसका नंबर अगर आता है, तो मैं यहाँ पे विराट कोहली लिख रहा हूँ, ठीक है, ये देखो विराट कोहली लिख देता हूँ, तो देखो यहाँ पे विराट कोहली का भी इमेज आ गया। ये एक्शन वाली इमेज चाहिए, तो ये देखो ये परफेक्ट एक्शन वाली इमेज है, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं मान लो कि पाकिस्तानी किसी प्लेयर का भी कर लेता हूँ, बाबर आजम, मान लो बाबर आजम, ये देखो ये सर्च कर लेता हूँ,
यहाँ पे देखो ये भी बंदा आ गया, ये देखो ये वाली इमेज काफ़ी अच्छी लग रही है, कोई वाटरमार्क नहीं है, वी कैन यूज़ दैट अगेन। तो ये डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। अब मेरे पास 3-4-5 इमेजेस डाउनलोड हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, एडिटर पे चलेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीटा एडिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप वीएन एडिटर काइन मास्टर को अवॉइड करना क्योंकि उसमें वाटरमार्क आता है और मुझे उससे अच्छा लगता है वीटा, वीएन हो गया, यू कट हो गया, बहुत सारे हैं आपके अच्छे अच्छे वीडियो एडिटर जो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे फीचर्स देते हैं। तो आई विल गो विथ वीटा वीडियो एडिटर, प्ले स्टोर पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो इस पर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ब्लैंक वीडियो पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक वीडियो आ चुकी है, अब मुझे इसका साइज यहाँ पे सही करना पड़ेगा, मुझे YouTube का शॉर्ट बनाना है, इसीलिए मुझे यहाँ पे 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रेशियो वाले बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो 9:16 पे मैं क्लिक करता हूँ और ये जो टिक का ऑप्शन है सफेद रंग का, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। सेम ही वीडियो एडिटर होते आप किसी पे भी काम कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे कंटेंट चाहिए यानी कि इमेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे जो फोन में इमेजेस है उन पे मैं जाता हूँ और यहाँ से इमेजेस में सेलेक्ट कर लेता हूँ सर। तो ये मैं पहला सचिन तेंदुलकर का करूंगा, उसके बाद मैं एमएस धोनी, उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद मान लो बाबर आजम का मैंने किया। तो यहाँ पे मैं ये जो तीर का निशान आपको दिख रहा है ये जो नीचे है इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये सारे इमेजेस मेरे यहाँ पे बैक टू बैक आ चुके हैं, ये देखो ये सारे इमेजेस आ चुके हैं। अब देखो इमेज का जो साइज है, अब देखो इमेज का जो साइज यहाँ पे है वो मेरे वीडियो के साइज से थोड़ा सा अलग है। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज इमेज को थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करो, इस तरीके से ड्रैग करो ताकि पूरी जो वीडियो पे वीडियो का साइज है उसे मैच कर जाए, या फिर आप बैकग्राउंड एक सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने मान लो कि यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक किया और बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे या तो मैं कोई कलर डाल सकता हूँ, ये ग्रे कलर मैंने डाल दिया या फिर ब्लैक कलर डाल दिया या फिर यहाँ पे व्हाइट कलर डाल दिया, तो ये भी आप कर सकते हो, या फिर उसी इमेज को ऐसे खींच के पूरे साइज में ले आ सकते हो। तो इस वक्त मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और इसी तरीके से मुझे सारे इमेजेस के बैकग्राउंड सेट करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी मैं बैकग्राउंड में कलर चूज करूंगा सफेद रंग का। आप चाहो तो इमेज को ब्लर करके भी पीछे लगा सकते हो, मतलब सामने जो इमेज है उसी को ब्लर करके पीछे लगा सकते हो। और फिर लास्ट वाले ऑप्शन को चूज करता हूँ, यहाँ पे मैं वापस से सफेद रंग का बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ। अब वीडियो कुछ ऐसी आपको दिखेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इमेज की जो लेंथ है उनको बड़ी करूंगा क्योंकि मुझे 30 या 40 सेकंड का एक शॉर्ट्स बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक म्यूजिक ऐड करता हूँ। आप YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूजिक ले सकते हो, ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, YouTube ऑडियो लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास लाइब्रेरी पूरी YouTube आपको दे रहा है, जहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड आप यूज कर सकते हो। इस वक्त मैं क्या करूँगा, जो मेरे वीडियो एडिटर में म्यूजिक है कॉपीराइट फ्री, उसको मैं यूज करता हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन आप YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से ले सकते हो म्यूजिक, या फिर शॉर्ट्स अपलोड करते टाइम ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज कर सकते हो। तो मैं प्रिफर करूंगा जब शुरू शुरू में ऐसा चैनल आप बनाओ तो आप क्या करना, जब शॉर्ट्स अपलोड करोगे तो आपको जो ट्रेंडिंग म्यूजिक दिखा रहा होगा, YouTube खुद आप दिखाता है ये सब चीज, वहां से सिलेक्ट कर लो। तो चलिए यहाँ पे हम अभी फिलहाल के लिए कोई म्यूजिक यूज नहीं करते, अभी हमको ट्रांजिशन देना पड़ेगा और इमेज पे इफेक्ट्स डालने पड़ेंगे। तो इनको मैं थोड़ा टाइमलाइन को थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी से दिख सके सारी इमेजेस, और हर एक इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये देखो बैक करता हूँ एक बार, ये देखो यहाँ पे आपको ये इफेक्ट का ऑप्शन, देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फेस इफेक्ट पे जा सकते हो, जिस इमेज पे आपको इफेक्ट लगाना है उस इमेज के पास कर्सर को ले आना और फेस इफेक्ट पे जाओ, यहाँ पे आपको बहुत सारे फेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे। या फिर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ये वाला, ये देखो लाइटनिंग इफेक्ट कर सकता हूँ, ये काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, ये देखो ये इफेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये इफेक्ट कितनी दूर आपको रखना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। मान लो कि मैं ये इफेक्ट सिर्फ सचिन तेंदुलकर के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इस इफेक्ट को यहाँ पे नीचे से खींच के सचिन वाले इमेज के जितना लेंथ उसका है उतना मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अब एमएस धोनी के लिए मुझे अलग इफेक्ट चाहिए, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वापस से बैक जाऊँगा और फेस इफेक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ देखो यहाँ पे एक और इफेक्ट साउंड वेव वाला आता है, ये भी कितना मस्त लग रहा है, ये देखो। ये ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियोस ऐसी ही बनती है, ये देखो यहाँ पे जितने कॉपीराइट्स आपको मिलेंगे यानी कि उतने व्यूज आपको मिल रहे हैं, और जितने व्यूज उतने क्लिक्स होंगे आपका जो स्पॉन्सरशिप वाला लिंक है वहां पे। तो अगर आप टाइम पास के लिए चैनल कोई बनाना चाहते हो तो ये दिस काइंड ऑफ चैनल इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस एज पर मी माई एक्सपीरियंस।
क्योंकि ये चैनल में कुछ आपका जाता नहीं है। 5 मिनट के अंदर वीडियो रेडी हो जाएगी और अगर व्यूज आने शुरू हो गए मेरे भाई तो क्लिक्स भी आने शुरू हो जाएंगे। पैसिव इनकम, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर छोटे मोटे जॉब अगर करते हो, आपका साइड इनकम का अगर कोई मतलब नजरिया है, आपको चाहिए साइड इनकम, तो ये चैनल आप बना सकते हो। क्योंकि यूट्यूब के भरोसे आपको रहना नहीं है, आपको क्लिक्स के भरोसे रहना है। जो आपके कमेंट पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां से असली पैसा बनेगा। तो इसी तरीके से मैं सारे यहाँ पे इमेजेस पे ऐसे इफेक्ट लगा दूंगा और आपको ट्रांजिशन अप करना है, ठीक है। अब मैं बैक जाऊंगा, यहाँ पे वीडियोस के बीच बीच में देखो ट्रांजिशन का है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इस पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देखो ट्रांजिशन, आपको बहुत ही कूल ट्रांजिशन यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिशन डाल दिया, अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा ट्रांजिशन हुआ। अब मैं दूसरा ट्रांजिशन यहाँ पे डालता हूँ, ये देखो यहाँ पे कुछ और ट्रांजिशन डाल देता हूँ। ये देखो अब मान लो ये वाला ट्रांजिशन मैंने डाल दिया, अब देखो अब कैसा लग रहा दिखने में वीडियो। इसी तरीके से आप सारे इमेजेस में ट्रांजिशन डाल सकते हो। तो ये मेरी जो शॉर्ट्स है वो रेडी हो चुकी है। और शॉर्ट्स के ऊपर टेक्स्ट लिखना मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि शॉर्ट फीड में जब शॉर्ट्स जाती है तो आपका टाइटल थंबनेल कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या दे रहे हो, आपको जब वीडियो के ऊपर जो लिखा है वही बस इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट जरूर लिखना है और क्लिक बेट टेक्स्ट लिखना है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ, ये देखो टेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं कोई सा भी एक बढ़िया सा टेक्स्ट चूज कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ से मैं स्टाइल चूज कर लेता हूँ और इस तरीके से मैं मान लो ये वाला टेक्स्ट चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो मेरा टॉपिक था, टॉप 5 बैट्समैन, ऐसे लिख देता हूँ। और इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो यहाँ से। ये देखो स्टाइल के अंदर जाके फॉन्ट के अंदर जाओगे आप, यहाँ पे फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे अपना जो टाइटल है वो चूज कर सकते हो, स्टाइल चूज कर सकते हो, कलर चूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पीछे लाल रंग का बैकग्राउंड रखूंगा और सामने जो टेक्स्ट है उसका कलर व्हाइट रखूंगा, क्योंकि ये दूर से भी इस तरीके से भी नजर आ जाता है। रेड के ऊपर अगर व्हाइट कलर का टेक्स्ट लिखते हो या फिर येलो के ऊपर आप ब्लैक कलर का टेक्स्ट लिखते हो तो ये नजर आ जाता है आराम से। तो ऐसे कलर कॉम्बिनेशन का यूज करना हमेशा शॉर्ट वीडियो जब भी आप बनाओ। ये देखो ऊपर मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ। अब ये प्ले करके एक बार देखते हैं लोग, ये टेक्स्ट को पूरा खींच देना जहां तक वीडियो है, ठीक है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है देखने में दोस्तों। अभी देखो एक चीज और आप कर सकते हो, इनके जो रन्स है, ऑल टाइम रन्स है, वो डिटेल भी लिख सकते हो कि इतने रन सचिन ने बनाए, विराट कोहली ने आज तक इतने रन बनाए, बाबर आजम ने इतने रन बनाए। तो ये सब डिटेल्स भी आप यहाँ पे टेक्स्ट के माध्यम से लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम वापस क्या करेंगे, बैक करेंगे और इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। अभी यूट्यूब पे आपके सामने मैं अपलोड करने वाला हूँ तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इसको छोटे साइज में करता हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए। आप इसको हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी में करना, जितना भी हो, 2K 4K, जितना भी आपका एडिटर सपोर्ट करता है उतनी क्वालिटी में। इसको मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया। अब मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ अपने YouTube चैनल पे। अब देखो मैं YouTube पे आ चुका हूँ, प्लस वाले आइकन में मैं क्लिक करूंगा, जैसे कि आप लोग अपलोड करते हो। ये देखो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब क्रिएट शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ। और क्रिएट शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे मैं ये चूज कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ से एक ये वीडियो जो मैंने अभी बनाई है वो चूज कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करता हूँ और डन पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे ऐड साउंड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऐड साउंड पे जब मैं जाता हूँ, यहाँ पे आपको यूट्यूब जो है वो म्यूजिक दिखाता है। अब आपको लग रहा होगा कि म्यूजिक लगाएंगे तो कॉपीराइट आएगा, तो बस मैं 5 सेकंड रुक जाओ, 5 से 10 सेकंड रुक जाओ, मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ कि म्यूजिक लगा के भी पैसा कैसे बनता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग लिखना है, ठीक है। ट्रेंडिंग सॉन्ग्स लिख दो या फिर ट्रेंडिंग म्यूजिक लिख दो, तो सारे ट्रेंडिंग सॉन्ग या म्यूजिक जो 2023 में चल रहे हैं ये आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना, जैसे इंस्टाग्राम में होता है ना, रील्स में जब सॉन्ग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा रील्स या बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स अगर किसी सॉन्ग पे बन गए तो क्या रहता है कि मतलब उतना पॉसिबिलिटी कम होता है कि आपकी शॉर्ट लोगों को मिल जाए। इसलिए कोशिश करना है यहाँ पे कि थोड़े कम, जैसे 100K, 50K, 10K, 20K ऐसे शॉर्ट्स जहाँ पे बने। अगर किसी पे मिलियन शॉर्ट्स बन चुके हैं फिर आपका शॉर्ट ही किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करना नया नया जो अभी वायरल होना शुरू हुआ है वैसे सॉन्ग यहाँ पे लगाना। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये वाला बीस्ट मोड लिखा हुआ है, इसको क्लिक करता हूँ और इसको मैं अपने यहाँ पे शॉर्ट के नीचे लगा लेता हूँ। और यहाँ पे देखो मेरा हो गया यहाँ पे काम। अब मैं इसको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। कैसा लगा आपको शॉर्ट? अब हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे अब आप सारा यहाँ पे कैप्शन वगैरह डाल सकते हो।
यहाँ पे एक काम करना और यहाँ पे कैप्शन में जो आप टाइटल डालते हो वहाँ क्लिकबेट टाइटल डालना, ऐसा टाइटल जो देखते ही लोग क्लिक कर दे। अपने दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिएटिविटी यहाँ पे लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे हैशटैग वगैरह डाल दो, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग क्रिकेट, हैशटैग इंडियन क्रिकेट, विराट कोहली हैशटैग, ये सब डाल दो और अपलोड कर दो अपने शॉर्ट को। और फिर कमेंट में जाके वो वाली लिंक पिन करना जो आपको स्पॉन्सर से मिलेगा या फिर आप जब अप्रोच करोगे कैसे करना है वो अभी आपको बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप अपने शॉर्ट्स पर म्यूजिक लगाते हैं तो YouTube यहाँ पे अपने पॉलिसी में क्या बता रहा है ये आप ध्यान से देखिए, मैं आपको आसान लैंग्वेज में भाषा में समझाता हूँ। इफ अ मोनेटाइजिंग क्रिएटर अपलोड्स अ शॉर्ट विदाउट एनी म्यूजिक, अगर किसी शॉर्ट पे म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं है तो सारा का सारा रेवेन्यू जो है वो क्रिएटर पूल में जाएगा और आपको डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से होगा, मतलब कोई डिडक्शन नहीं होगा, कोई पैसा नहीं कटेगा यहाँ पे। लेकिन अगर वहीं पे कोई शॉर्ट्स में अगर म्यूजिक का यूज करता है मोनेटाइज करने के लिए तो मोनेटाइज तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो शेयर हो जाएगा क्रिएटर पूल में और जो म्यूजिक का मालिक है उसके साथ, तो कुछ पार्ट आपको मिलेगा और कुछ पार्ट उसको मिलेगा। लेकिन म्यूजिक लगाने से अगर आपका शॉर्ट वायरल होता है और आपको पैसे मिलते तो ये तो बढ़िया सौदा हो गया ना। अगर कंपेयर हम करें कि म्यूजिक नहीं लगाते और शॉर्ट पे व्यूज ही नहीं आते तो क्या फायदा, म्यूजिक लगा के अगर पैसे मिलते हैं, थोड़े पैसे मिलते हैं लेकिन मिलते हैं तो ठीक है ना, आप 100, 150, 200, 500 शॉर्ट बना दो, क्या दिक्कत है, आप बनाते जाओ शॉर्ट, पैसे कम मिलेंगे तो शॉर्ट्स भी तो ज्यादा हो जाएंगे ना। अभी देखो स्पॉन्सरशिप अगर आपको लेना है शॉर्ट्स के वीडियो पर तो ये वाली जो वेबसाइट है onewinbet.in ये काफी ज्यादा स्पॉन्सरशिप देते हैं। आप अगर ज्यादातर बड़े जो लेवल के शॉर्ट्स बनाते हैं जो कि फैक्ट्स वाले शॉर्ट बनाते हैं या फिर मूवी कंटेंट पे बनाते हैं या क्रिकेट पे बनाते हैं, आप देखना उनके शॉर्ट्स के ऊपर वन विन का एनिमेशन जरूर होता है। तो इनको आप अप्रोच कैसे करोगे, इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर लो, ठीक है। यहाँ पे जाके ये देखो कॉन्टैक्ट का सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनको यहाँ पे ईमेल कर सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताकर अपना लिंक सेंड करके ये कर सकते हो या फिर इनसे आप चैट भी कर सकते हो ऑनलाइन। आप बता सकते हो कि मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है जहाँ मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ और काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ उन पे आते हैं। ये देखो चैट का ऑप्शन भी यहाँ पे है, यहाँ पे आप नेम, ईमेल, कमेंट डालकर यहाँ पे लीव अ कमेंट कर सकते हो तो ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे उसके बाद। या ऐसा होता है कि अगर आपका शॉर्ट्स ऑलरेडी वायरल जाना शुरू हो चुका है तो ये लोग खुद कॉन्टैक्ट करते हैं। जब मेरे 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे मेरे चैनल पे और व्यूज़ अच्छे खासे आने लगे थे तो इन्होंने मुझे काफ़ी सारे ईमेल किए थे, ठीक है। मैंने रेस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि मुझे इसको प्रमोट नहीं करना था। तो आप शॉर्ट्स वीडियो पे इनको कॉन्टैक्ट करके आराम से स्पॉन्सरशिप ले सकते हो और ये बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं अफिलिएट मार्केटिंग का। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके चैनल पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, दोबारा मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज के लिए टाटा।